वाटर विजन 2047 विषय पर भोपाल में आयोजित दो दिवसीय अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का प्रथम वार्षिक सम्मेलन का शुक्रवार को समापन हुआ। समापन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, तेजी से औद्योगिकरण, शहरीकरण और आर्थिक प्रगति के कारण आने वाले दिनों में पानी एक बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। लोगों में पानी को लेकर जिम्मेदारी का संचार करना बहुत ही आवश्यक है। शेखावत ने कहा कि अगर पानी का मुद्रीकरण किया जाता है तो हमें बड़ा नुकसान होगा। दो दिन तक चले इस सम्मेलन को विभिन्न राज्यों में जल संसाधन PHI मंत्रियों ने भी संबोधित किया और अपने राज्य द्वारा जल संरक्षण में किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत कराया। हम सब आज से ही उस दिशा में सोचना प्रारंभ करें, भोपाल के इस बीज को भोपाल में छोड़ करके न जाएं, अपने साथ लेकर के जाएं, अपने राज्य के पॉलिटिकल जो है लीडरशिप के हृदय में भी उसे स्थापित करने के लिए अपने क्षमताओं का उपयोग करें और 2047 के विकसित भारत बनाने के उस मार्ग में पानी की उपलब्धता बाधा न बनेगी, इस संकल्प के साथ में हम सब जाएं तो निश्चित रूप से हमारी ये दो दिन की कार्यशाला सफल होगी। आप सब लोग आए, आप सब लोग ने बहुत गंभीरता के साथ में विषय के साथ में जुड़ते हुए दो दिन तक इस कार्यशाला के आप सब हिस्सा बने। मैं आप सबको उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, हृदय से आपका आभार ज्ञापित करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। वाटर विजन 2047 के सम्मान सत्र में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, PHI मंत्री यादव, उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज, बिहार, झारखंड, गोवा, पंजाब, असम आदि राज्यों के जल विभाग के मंत्री उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत TV। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।